Hello, my dear children. How are you all? I hope you're hale and hearty. And today, in this video, we will discuss poem number 1 in your books, First Flight. And the title of the poem is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. So, chaliye bachcha, shuru karte hain Dust of Snow by Robert Frost. सबसे पहले मिलिए पोइट से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट थे, बहुत ही फेमस पोइट थे. और इन्होंने, आपने नाइन्थ में जो पहली पोएम पढ़ी थी द रोड नोट टेकन, वो भी इन्होंने ही लिखी थी. बच्चों, इनकी पोएम्स सरफेस लेवल पर बहुत ही सिंपल होती हैं, छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, समझ में आराम से आ जाता है. लेकिन पोइट सिंबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सिंबल्स का यूज़ करने की वजह से पोएम बन जाती है इंट्रिकेट, उसका डीपर मीनिंग निकल जाता है. ठीक है, तो इनके जितने भी पोएम्स आप पढ़ेंगे वो ऐसे ही हैं. सरफेस लेवल पर तो बिल्कुल सिंपल सी पोएम है, लेकिन वो सिंबॉलिक पोएम होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा गहरे मीनिंग, डीपर मीनिंग निकलते हैं. तो इनकी बहुत फेमस लाइन्स हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी टेबल के नीचे रखते थे. फ्रॉम हिज पोएम्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बहुत ही मुझे भी पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो विद दीज लाइन्स लेट अस स्टार्ट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, बहुत ही आसान है, छोटी सी पोएम है, येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन उसका बच्चों मीनिंग बहुत गहरा है. द पोइट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पैटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप. तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, एक पोइट है एंड द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री. एक हेमलॉक ट्री है, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कैसा होता है, उसके नीचे वो पोइट खड़े हैं. इट इज़ वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग, बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है, स्नो गिर रही है. अ क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. क्रो जो है ना बच्चों, एक कौवा, वो बैठा है हेमलॉक ट्री की ब्रांच के ऊपर, एक शाखा के ऊपर. इट विंग्स गेट कवर्ड विद फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. और बच्चों जो कौवा है उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, उसके ऊपर ना स्नो आ जाती है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिर जाती है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है. द क्रो शेक्स इट सेल्फ एंड द स्नो फॉल्स ऑन द पोइट. वो जो क्रो है वो अपने आप को हिलाता है, शेक करता है ताकि उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरी है वो हट जाए और वो बर्फ, वो डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है पोइट के ऊपर. द लिटिल इंसिडेंट्स ब्रिंग अबाउट अ सडन चेंज इन द पोइट स्टेट ऑफ माइंड. ये होते ही पोइट के जो माइंड है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड चल रही थी, वो बिल्कुल बदल जाती है. ही फील्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे. वो समय बहुत सैड महसूस कर रहे थे, लेकिन जो क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई उससे उनका दिन बच गया. नाउ ही वॉन्ट लेट हिज डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज ऑफ स्नो इज फॉलिंग. लाइक द क्रो ही टू विल शेक ऑफ द इनर्शिया एंड गो अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल. तो वो भी अकर्मण्यता, कवि जो है वो जड़ता जो है उनको त्याग देंगे और पूर्व की भांति अपने काम पर निकल पड़ेंगे. तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा बता दिया मैंने आपको, कितना सिंपल सा इंसिडेंट है लेकिन डीपर मीनिंग है. द मैसेज ऑफ द पोएम इज टू पुट इन टू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या मैसेज है पोएम का, कवि ने खुद बताया है. ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग. छोटी चीज़ें छुएंगी बड़ी चीज़ों को. तो छोटी सी पोएम जो कि काफ़ी गहरा मीनिंग देती है. शुरू करते हैं बच्चों पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव एन एक्सप्लेनेशन. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूट. द वे अ क्रो, क्रो बच्चों कौवा, कौवा आमतौर पर हम क्या मानते हैं, इल ओमेन होता है, एक सैड क्रीचर होता है और बुरा अपशगुन के रूप में हम क्रो को लेते हैं. तो एक क्रो था बच्चों, शुक डाउन ऑन मी, शुक मीन्स हिलाया उसने कुछ और मुझ पर गिरा दिया. क्या, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के डस्ट, धूल, बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरा दी. यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है इनर्शिया, अकर्मण्यता, जड़ता. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वो कौवा जो था वो किसके ऊपर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री की ब्रांच के ऊपर. ये भी हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस पेड़ होता है बच्चों, जहरीला पेड़ होता है. और ये बच्चों एक सिंबल है पोइट से, सैड माइंड, ठीक है, पोइट का जो दिमाग है वो उदास है, उसका सिंबल है हेमलॉक ट्री. हिंदी में से धतूरे का पेड़ भी कहते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. और जैसे ही वो जो क्रो बैठा था एक पेड़ की हेमलॉक ट्री की ब्रांच के ऊपर, जैसे उसने अपने आप को शेक किया और पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, उससे
हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. जो पोइट का हार्ट था, जो पोइट का माइंड था, उसमें जो मूड चल रहा था वो बहुत उदास था, वो एकदम से बदल गया, चेंज आ गया उसके अंदर. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. और उस कौवे के द्वारा गिराई गई डस्ट ऑफ स्नो से जो पोइट का आगे का दिन था वो बच गया. रूड का मतलब होता है बच्चों हेल्ड इन रिग्रेट डिजेक्शन. तो अब तक जो वो उदास महसूस कर रहा था, पोइट ने अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया. अब ध्यान से सुनिए इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश के अंदर. द पोइट सेज दैट ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलक ट्री. अ क्रो शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड सेटल्ड ऑन इट. When this dust fell on the poet, a sudden change came in his mood. It ended all the regret that had filled his mind. Thus, it saved his day from any further sadness. But the poet has used the hemlock tree, the crow, the dust of snow, and the crow's shaking off this dust from his wing as symbols only. The hemlock is a poisonous tree. It has been used here as a symbol of poet's sad mind. बच्चों, सिंबल आप जरूर याद करेंगे. जो हेमलॉक ट्री है वो पोइट के सैड माइंड का प्रतीक है. दैट कैन बी नो लेस देन अ पॉइजन फॉर द बॉडी. द क्रो इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमेन. अपशगुन के रूप में हम क्रो का यूज करते हैं. द पोइट हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स दैट हैड सेटल्ड इन हिज माइंड. तो क्रो मतलब सैड थॉट्स इन पोइट्स माइंड. Just as the crow had settled on the hemlock tree, the dust of snow that has settled on the crow is a symbol of inertia. तो dust of snow symbol है inertia का, अकर्मण्यता का, जड़ता का, that the poet's sad thoughts have brought about in him. And the crow's shaking of this dust is a symbol of the new awakening that comes in the poet's mind. और जैसे ही क्रो ने शेक ऑफ की अपनी डस्ट को, वो बच्चों सिंबल है नई जागृति का, नई जागृति का प्रतीक है जो कवि के मन में आ जाती है. इट एंड्स ऑल हिज रिग्रेट एंड सेव्स हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन. अब बच्चों उसके सारे जो पश्चातापूर्ण विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और मन को आगे की ओर ले जाता है. उदासी से उसका दिन बच जाता है. दस वी सी दैट एवरी वर्ड ऑफ दिस शॉर्ट पोएम इज लोडेड विद डीप सिंबोलिज्म एंड सिग्निफिकेंस. तो ये बच्चों देखो कितनी छोटी सी पोएम है आपके सामने है और मैंने कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी आपके सामने कर दी. तो ये थी पोएम सिंबल्स बहुत ज़रूरी है. देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्रो बैठा है हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच के ऊपर, उसके ऊपर बर्फ गिर जाती है और फिर वो शुक अपने आप को हिलाता है, शेक करता है और डस्ट ऑफ स्नो, ये देखिए कितनी सारी है डस्ट ऑफ स्नो, वो गिर जाती है पोइट के ऊपर. कहाँ बैठा है क्रो? यहाँ पर बैठा है. देखिए बच्चों पॉइजनस ट्री होता है हेमलॉक ट्री, इसके सफ़ेद रंग के फ्लावर्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. और पोइट के ऊपर वो गिरता है और पोइट का दिन बच जाता है, जो उसके सैड थॉट्स से वो दूर चले जाते हैं. अब वो आगे अकर्मण्यता को त्याग कर, इनर्शिया को त्याग कर, जड़ता को त्याग कर अपने कामों में लग जाएगा. बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए. शुक मतलब शेक, हिलाना. हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर दिखा चुकी हूँ. एंड रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट और डिजेक्शन. चलिए लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं. राइम स्कीम है इस पोएम में. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारी की सारी राइम स्कीम्स 9th और 10th क्लास की मैंने आपको सॉल्व करके बताई हैं कैसे सॉल्व होंगी, कैसे आप खुद निकाल सकते हैं राइम स्कीम. उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर उसको देख लें ताकि आप खुद निकाल पाएँ राइम स्कीम. और इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी सी डी. अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार. द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ Closely connected words. The instances of alliteration are as follows. बच्चों जब व्यंजन ध्वनि शुरू में रिपीट हो रही है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं. ये देखिए has given my heart and saved some parts. Saved some में s sound repeat है, has given my heart में s sound repeat है. Assonance. The prominence of a vowel sound throughout a line is called assonance. जब vowel sound की आवाज़ आए तब assonance होता है बच्चों. In stanza 1, line 2, shook down on me, O sound is prominent. Symbols बहुत सारे हैं, आप याद करेंगे. Symbols हमेशा पूछे जाते हैं. Hemlock tree, symbol of poet's sad heart. Dust of snow, sorrow that has settled in poet's heart. Inertia भी कह सकते हैं आप इसको. Crow is the shake that the poet experiences in his heart.
इमेजरी वर्ड पिक्चर, जैसे ही कवि बता रहा है कि वो खड़ा था हेमलॉक ट्री के नीचे ब्रांच पर बैठा था क्रो, तो आप देख सकते हैं इजिली कि आपके दिमाग में वर्ड पिक्चर बन रही है। तो इमेजरी का बहुत ही सुंदर प्रयोग है पूरी की पूरी पोएम के अंदर। चलिए बच्चों इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोज लाइट अपॉन एन अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स। From a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature. The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. The snow instantly makes him happier. His day gets a lot better. Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. The fact that hemlock tree is poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. The poet, through these objects, has tried to highlight that sometimes creature linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप जरूर कर लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।